गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हमने रखा है शानू के लिए एक सरप्राइज, हमने मतलब मम्मी ने एक सरप्राइज रखा है और वो सरप्राइज आपको मम्मी बताएंगी। तो सबसे पहले मम्मी को ढूंढते हैं। मम्मी, मम्मी कहाँ गई? मम्मी, मम्मी किचन में है। मम्मी, आपने क्या सरप्राइज रखा है शानू के लिए? आज शानू के लिए आलू उबाल के रखे हैं। शानू आज आलू के परांठे खिलाएगी, उसको पता नहीं है अभी कि मम्मी ने आलू उबाल रखे हैं, तब पता चलेगा। बोलेगी मम्मी क्यों उबाले यार ये आलू, कौन बनाएगा परांठे। तो क्या करा कि मम्मी ने आज क्या करा, शानू के लिए आलू उबाले रख दिए और शानू अभी गई है नहाने। तो जब शानू आज सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आएगी तो उससे सरप्राइज मिलेगा कि उसके लिए आलू उबाले गए हैं और आज हमें कुछ टेस्टी ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा। डॉली, आज हमें फिर कुछ बढ़िया मिलेगा खाने को। यार बहुत खुशी होती है ऐसे कुछ टेस्टी टेस्टी खाने में। और फिलहाल तब तक डॉली यहाँ पर बना रही है सैंडविच। तो मैं आपको शानू का रिएक्शन दिखाऊंगी कि उसका रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके लिए आलू उबाले गए हैं पराठे बनाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। और आज हमारे यहाँ हो रखा है बहुत सनी सनी वेदर, बहुत धूप आ रखी है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बट यस आई लाइक इट। और शानू आ गई है नहा के और अब मैं उसे बताने जा रही हूँ कि उसके लिए क्या सरप्राइज है। शानू, आज तेरे लिए एक सरप्राइज है, चल देख ले खुद ही। बता गैस कर पहले क्या सरप्राइज होगा। मेरा ऑर्डर आया क्या? नहीं तो किचन में चल तेरे लिए सरप्राइज दिखाते हैं। चलो किचन में। हाँ हाँ, शानू किचन में जा रही है। नहीं बना रही यार मम्मी। मम्मी ये रोने लग गई। मम्मी यार आप ऐसे क्यों करते हो यार मम्मी? आज हमने रखे हैं आलू उबालने और अब तू आलू के पराठे बनाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे काम है यार, मुझे काम है। क्या काम है तुझे? मुझे काम है यार, आज मैंने बना दिया। नहीं, तू पहले हमें आलू के पराठे खिला दे, उसके बाद तुझे जो काम करना है कर ले। मान जाओ भुल्ली। ये मान गई आलू पराठे बनाने के लिए और अब हम खाएंगे आलू के पराठे। शानू ये। और यहाँ बन रही है डॉली की चाय और मैं जाती हूँ नाने और आगे की व्लॉगिंग शानू करेगी। सो गाइस, आ गई हूँ अब मैं किचन में और अब बनाती हूँ इनके लिए आलू के पराठे। बहुत ही ज़्यादा तेज निकले यार मेरे घर वाले, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने सोचा भी था कि आज ऐसे करेंगे मेरे साथ, बट चलो कोई बात नहीं, अब रख दिए तो बनाना पड़ेगा। जब मम्मी ने कह दिया है कि आलू के पराठे बना तो इट मीन्स बना।
और ये हो गया है मेरी मम्मी के लिए रेडी। एंड मम्मी जाओ पहले हाथ धोके आओ जाओ। ये रहा मम्मी का नाश्ता और हमने सोफे वगैरह सब ढक चुके हैं क्योंकि बहुत धूल हो रही थी यहाँ पे और इसके कवर बने नहीं अभी, तो इसलिए इसको हमने ढक चुका है। बताओ मम्मी जरा आज कैसे बनाए हैं? वैसे ही बने हैं और इनके जैसे कि थोड़ा डिफरेंट बताना जरा। ठीक तो होंगे खैर, बट फिर भी हाँ मैंने बनाया तो ठीक होंगे। ठीक हो रहा है पक्का? ठीक है चलो। निक्की निक्की तो गई है नहाने के लिए और पता नहीं कब आएगी निक्की। सो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के एंड शानू बना रही है पराठे। शानू कितने बन गए? तेरे लिए तो बन ही गए हैं। मम्मी ने खा दिया? हाँ। मम्मी को कैसे लगे? अच्छे। और डॉली ने खा दिया? नहीं उसने नहीं खाया। डॉली शायद मेरे साथ खाएगी। डॉली आ जा खाना खाने। और अब मैं खाऊंगी पराठे। और अब मैं खा रही हूँ पराठे। अब मेरी बारी है पराठे खाने की, तो मैं खा के आपको बताऊंगी कि शानू ने कैसे बनाए हैं। वैसे तो मुझे इसके हाथ के पराठे जो ये बनाती है आलू के पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि ये भर भर के आलू डालती है जो मम्मी नहीं डालती है, तो मैं अपने लिए सर्व कर लेती हूँ। और हमारी माँ के आलू के पराठे ऐसे होते हैं। मम्मी शायद आलू के पराठे बनाती है ना, वो उनमें बीच बीच में आलू गायब रहते हैं, या तो साइड में रहते हैं या तो बीच में रहते हैं। यही कारण था मेरा कि मैंने सोचा कि यार मैं ही बना लेती यार कोई बात ही। और सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि ये थोड़ा चटपटा सा पराठा बनाती है, मतलब मुझे ऐसी फीकी फीकी चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे थोड़ी स्पाइसी चीज अच्छी लगती है। तो मैं टेस्ट करती हूँ, पहले अपने लिए सर्व कर लेती हूँ। और डॉली को भी मैंने बुला दिया है तो वो भी आ गई है। पराठे वो खंदड़ी मैं खाऊंगी चटनी के साथ, मोमोज की चटनी। जो रेड वाली चटनी होती है ना वो अच्छी होती है इसके साथ पराठे के साथ। और हाँ शानू रेड चटनी भी काफी अच्छी बनाती है। यार तू मेरी इतनी तारीफ कब से करने लगी निक्की? नहीं मैं तेरी तारीफ करती हूँ। अच्छा तू मेरे पे मक्खन लगा रही ना, मुझे मालूम है, ताकि जो है मक्खन से याद आया जब मैं बटर नहीं है। नहीं तो इसलिए कर रही थी ना कि ताकि मैं बनाती रहूँ यहाँ किचन में बिजी रहूँ। इसका जरा जल्दी सब्सक्राइब करो यार, फिर ये हमें टेस्टी टेस्टी और खाना खिलाएगी। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब करो जरा। अच्छा बढ़िया करके एकदम। और यार इसमें बटर होता तो और मजा आता। और मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है। दही तो मैं नहीं खाऊंगी, ऐसी मीठी चीजें मैं नहीं खाती, मुझे स्पाइसी चीजें अच्छी लगती है। मीठी मीठी क्या दही खट्टी होगी? वो चीनी डाल के खाते हैं ना तो बिना चीनी के खा ले नहीं फिर खट्टी होगी ना, मतलब अजीब सा टेस्ट आता है। तो मैं इसको खाती हूँ पहले। डॉली शायद पबजी खेल रही है। पबजी आ गया है क्या? पबजी पता नहीं कुछ खेल रही है वो, मतलब आवाज आ रही है डिशुम डिशुम की। ठीक हो रहे? ये बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीजें खाना। अच्छे हो रहे हैं, मतलब भूख भर भर के आलू है और चटनी भी बहुत अच्छी है। पराठे बहुत अच्छे लगे, मैं चार खा गई। सो आप लोग भी ऐसे ही अपने घर में आलू के पराठे बनाते जाओ, खाते रहो और घर में रहो सुरक्षित।